अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है इब्ने इंशा। इस वीडियो में हम इब्ने इंशा के मुतालिक तफसील से पढ़ेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इब्ने इंशा कब पैदा हुए? 1926 में। असल नाम क्या था? शेर मोहम्मद ख़ान। तखलुस क्या था? इंशा। इब्ने इंशा क्या थे? मारूफ शायर, सफ़रनामा निगार और मज़ाह निगार। इब्ने इंशा ने बीए कब और कहां से किया? 1946 में पंजाब यूनिवर्सिटी से। इब्ने इंशा ने एमए कब और कहां से किया? 1953 में कराची यूनिवर्सिटी से। इब्ने इंशा कब और किसके डायरेक्टर मुकर्रर हुए? 1962 में कौंसल नेशनल बुक के। इब्ने इंशा किसके वाइस चेयरमैन थे? टोक्यो डेवलपमेंट प्रोग्राम के। इब्ने इंशा किन अखबारात में हल्की फुल्की फकाहिया कालम लिखते थे? रोज़नामा जंग कराची, रोज़नामा अमरोज, लाहौर के हफ्त रोज़ एडिशनों और हफ्त रोज़ा अखबार जहां कराची में। इब्ने इंशा ने कब और किन नज़मों का मंजू तर्जुमा किया? 1960 में चीनी नज़मों का मंजूब उर्दू तर्जुमा किया, चीनी नज़में शाया हूँ। इब्ने इंशा ने यूनेस्को के मशीर की हैसियत से किन ममालिक का दौरा किया? यूरोपी और एशियाई ममालिक के। इब्ने इंशा ने कब वफात पाई? 1978 में। तसानीफ चांद नगर 1955 में शेरी मजमुआ, छोटी बातें शेरी मजमुआ, इस बस्ती के कूचे में दिल वहशी शायरी, खुमार गंदुम 1986 फकाहिया मजामीन, दुनिया गोल है 1972 सफ़रनामा, इब्ने बतूता के ताकिब में 1974 सफ़रनामा, आवारा गर्द की डायरी 1971 सफ़रनामा, चलते हो तो चीन को चलिए 1967 सफ़रनामा, नगरी फिरा मुसाफिर 1979 सफ़रनामा। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो के लिए लाइक करते रहें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।